हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीआईपी रिसर्च, जहां मिलते हैं आपको एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट। एसएससी सीजीएल टीयर वन का एग्जाम स्टार्ट हो चुका है और ये जो आपके एग्जाम्स हैं ये लगातार चलने वाले हैं। इस एग्जाम में अगर आप जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप साल भर तैयारी करते हैं, एक साल तैयारी करते हैं और उन तैयारी के बाद आप जाते हैं एग्जाम देने के लिए, और फिर अगर एग्जाम के पेपर को अगर आप सही से अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं तो फिर आपके एक साल का जो मेहनत है वो पूरा बर्बाद होता है। आपका सपना होता है कि हमें एसएससी की जॉब लेनी है, इस डिपार्टमेंट में काम करना है, वो सब एक पल में, एक घंटे के अंदर वो टूट जाता है। इसीलिए आज मैं बताऊंगा आप लोगों को यहाँ पे पेपर को अटेम्प्ट करने की एक सही स्ट्रेटजी, एक सही तरीका, जिससे आप पेपर को इस तरीके से अटेम्प्ट करें कि आप मैक्सिमम अपने स्कोर को जनरेट कर पाए, मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए, वो भी सही सही, जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस यहाँ पे इंक्रीज हो जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे और कुछ ऐसी गलतियाँ जो कि हम लोग जनरली करते हैं एग्जाम में अपने पेपर को अटेम्प्ट करते वक्त, वो गलती को कैसे अवॉइड करें, वो कौन कौन सी गलती होती है वो मैं बताऊंगा आपको, जिससे आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका जो वो पेपर जो होगा वो काफ़ी अच्छा हो पाएगा और आप फर्दर टीयर 2 एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे, टीयर 1 को क्वालिफाई कर पाएंगे। पेपर जो आपके हैं यहाँ पे 14th of July से स्टार्ट हो चुका था और 27th of July चलेगा। कुल मिला के लगभग 10 शिफ्ट में आपके एग्जाम होने वाले हैं। 14th जुलाई के पेपर अब तक हो चुके हैं और अब आपके जो अभी भी आपके 9 डेज के एग्जाम बाकी हैं, कल 17th of July है तो कल आपका पेपर फिर से होने वाला है। तो कुल मिला के 40 शिफ्ट में आपके लगभग आपके एग्जाम्स होंगे। प्रीवियस ईयर को देखें तो 2020 में भी ऐसे ही हुआ था और 14th of July के जो क्वेश्चंस आए थे वो आप लोग आपने देखे भी होंगे, अगर पता चला होगा तो काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चंस रहे हैं, प्रीवियस ईयर की तरह रहे हैं। तो पेपर जो आपको आएगा वो कुछ ऐसा होगा, इसमें 4 सेक्शन होंगे, जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग, अवेयरनेस GA, क्वान्टी एप्टीट्यूड और इंग्लिश, सभी के यहाँ 25-25 क्वेश्चन होते हैं और यहाँ पे कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं होता है। ओवरऑल आपका यहाँ पे 1 आवर का टाइमिंग होता है और सभी क्वेश्चन का वेटेज बिल्कुल सेम होता है, सभी क्वेश्चन यहाँ पे 2 मार्क्स के होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेपर को अटेम्प्ट करने का सिक्वेंस क्या होना चाहिए। मेरे अनुसार मैं जिस तरीके से करते आ रहा हूँ हमेशा से, मैं आ रहा है सबसे पहले मैं करता हूँ क्वांट, फिर रीजनिंग, फिर इंग्लिश एंड लास्ट में जनरल अवेयरनेस, क्योंकि मैं जनरल अवेयरनेस काफ़ी वीक पोर्सन मेरा है और वीक पोर्सन मेरा ही नहीं लगभग सभी लोगों का होता है, क्योंकि इसमें से आप श्योर शॉट नहीं होते इससे आपको क्या क्वेश्चन आने वाले हैं। और ये सिक्वेंस जो है ये सिक्वेंस को आप फॉलो कर सकते हैं, इसमें से आप चाहें तो रीजनिंग और क्वांट में से आप ऊपर नीचे करते, पहले आप रीजनिंग कर लें बाद में क्वांट कर लें, आपकी चॉइस है। या फिर अगर आपने पहले से कोई प्लान सेट कर रखा है मॉक में, आप कोई सिक्वेंस को फॉलो करते आ रहे हैं पिछले 20 मॉक से या फिर पहले से, तो आप उस पर बिल्कुल कॉन्स्टेंटली उसे फॉलो करें, यहाँ पर आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब मैं ऐसे क्यों करता हूँ, उसका रीजन क्या है मैं बता रहा हूँ। पहले आपको पता है कि जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश इन दोनों में क्या होता है कि आपको क्वेश्चन आ रहा है तो सिंपल आपको टिक मारना है और इसमें समय कम लगता है। लास्ट टाइम में क्या होता है, जब आपके पास लास्ट का 10 मिनट, लास्ट का 2 मिनट, लास्ट का 3 मिनट बचा होता है, उस वक्त अगर आप टाइमर देख लोगे ऊपर में दिखे आपको बचा हुआ 2 मिनट या 3 मिनट, फिर आप चाह करके भी क्वांट के क्वेश्चन, कोई लेंदी क्वेश्चन रह गए हों आपके या फिर कोई रीजनिंग क्वेश्चन जिसमें लॉजिक लगाना है वो क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे, आपको टाइम का प्रेशर होता है और वहाँ पे आप ज़्यादा क्वेश्चन बहुत कर पाएंगे, 1-2 क्वेश्चन कर पाएंगे। लेकिन वहीं अगर लास्ट में 2-3 मिनट समय बचा हुआ आप अगर GA अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपको सिंपल देख क्वेश्चन पढ़ना है, टिक लगाना, आ रहा है तो नहीं आ रहा है तो स्किप करना है, तो आप इस आखिरी के 2 से 3 मिनट में भी आप चाहें तो 4-5-6-7-8-10 क्वेश्चन भी कर लेते हैं। इस एरिया में रहा है कि लास्ट टाइम में जब समय बच जाता है तो वहाँ पे हम लोग रीजनिंग और क्वांट के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाते, इसलिए मैं इसे पहले करता हूँ ताकि क्वांट और रीजनिंग जो है ये मेरा अच्छे सिक्योर हो जाए। वैसे आपका चॉइस है, आप कर सकते हैं जैसे आप चाहें। अब यहाँ पे टाइम अलॉट की बात करते हैं, कितना कितना समय देना चाहिए किस सेक्शन को, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश जो है ये आपके कम से कम समय हो जाते हैं। इंग्लिश में आप मैक्सिमम 10 से 11 मिनट में आप आराम से पूरा पेपर कंप्लीट कर सकते हैं, मैं एक एवरेज नॉर्मल स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, 10 से 11 मिनट में आप आराम से यहाँ कर सकते हैं। जनरल अवेयरनेस 5-6 मिनट इज एनफ। तो अगर देखा जाए यहाँ पे आप 15-16 मिनट में, 15-16 मिनट में आप ये दोनों यहाँ पे आराम से कर लेंगे 60 मिनट। इसके बाद आपके पास जो बच गया समय 45 मिनट का समय, इस टाइम को आप रीजनिंग और क्वांट में डिस्ट्रीब्यूट कर लें। अब डिस्ट्रीब्यूट करना कैसे है, क्या कोई पहले से माइंड फिक्स रखना है कि हाँ हमें 22 मिनट देना है रीजनिंग को, 23 मिनट देना है क्वांट को, ऐसा ऐसा नहीं करना। आपको पहले सोचना है वो करना क्या है। जैसे आप अटेम्प्ट करने जा रहे हैं रीजनिंग से, मान लो आपने स्टार्ट किया रीजनिंग से, आपने स्टार्ट किया तो रीजनिंग में आप 25 क्वेश्चन होंगे, आपको अटेम्प्ट कैसे करना है, आप क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और कंटिन्यूस अटेम्प्ट करते जाएंगे लगातार, और जब जब तक आपका फ्लो जो है, मतलब आपने क्वेश्चन को पिक किया, सॉल्व कर रहे हैं, वो सॉल्व हो गया, आंसर मार्क कर आगे बढ़े। अगर क्वेश्चन बीच में फंस रहा है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आया जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत हुई, आपने एक बार सॉल्व किया नहीं हुआ, दोबारा सॉल्व किया नहीं हुआ, ऐसा अगर हो रहा है तो आप एक बार सॉल्व कर नहीं हो रहा है इसे आप छोड़ते जाएं, इससे आपको स्किप करना है। डिफिकल्ट क्वेश्चन, लेंदी क्वेश्चन को आपको स्किप करते जाना है और बाकी जो आसान क्वेश्चन है उसे आपको फर्स्ट स्पेल में, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको सभी क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर लेना है। अगर यहाँ पे 25 क्वेश्चन होते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे कि आपने यहाँ पे 15 मिनट दिया और आपके यहाँ पे 20 क्वेश्चन हो गए,
20 या 21 क्वेश्चन हो गए, बाकी क्वेश्चंस आपके कुछ लेंदी क्वेश्चंस थे उसे आपने छोड़ दिया, तो 15-16 मिनट में आपके इतने क्वेश्चन हो गए, आप इसे छोड़ करके आप आ जाएं अपने नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर जो कि आपका होगा सेक्शन क्वांट का, ठीक है। जब आप क्वांट अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वही सेम काम आपको यहाँ भी करना है, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करें और जो क्वेश्चन आपको आसानी से हो पा रहे हैं उससे अपडेट करते जाएं, बाकी जो लेंथी क्वेश्चंस आ रहे हैं या फिर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, सॉल्व नहीं आता है ऐसा कोई भी केस अगर है उसे आप स्किप करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। इस तरीके से आपका जो क्वांट रीजनिंग हो जाएगा, हो सकता है आप भी यहाँ पे आप 22 क्वेश्चन 21 क्वेश्चन कर पाएँ, बाकी 3-4 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हों या फिर लेंथी क्वेश्चन है जिसे आपने स्किप कर रखा हो उसे आप छोड़ के उसके बाद इंग्लिश पे और इसमें भी आपको सेम तरीके से करना है, आराम से जो भी क्वेश्चन आपको आ रहा है उसे आपको यहाँ पे बिल्कुल अटेम्प्ट करके खत्म करना, इसमें कोई चांस नहीं रखना है कि फिर हम दोबारा आएंगे सेकंड इस फिल्म में और यहाँ पे फिर से इंग्लिश को और जीए को दोबारा अटेम्प्ट करेंगे, ये चीज़ आपको नहीं रखना है। इसके इसे आपको वन गो में आपको 25 क्वेश्चन जो भी आपको आ रहे हैं वो आपको अटेम्प्ट करके यहाँ पे इस सेक्शन को फिनिश करना है, इसको आपको फिनिश करना है। अब आपके पास लेट से यहाँ पे आपके रह गए थे इंग्लिश में आपके रीजनिंग में आपके 4-5 क्वेश्चन जो आपसे अटेम्प्ट नहीं हो पाए थे लेट से, और क्वांट में भी आपके 4-5 क्वेश्चन रह गए थे जो कि आपसे अटेम्प्ट नहीं हो पाए थे, अभी भी आपके पास लास्ट में आपके पास टाइम बच जाएगा आराम से, क्योंकि आपने वही क्वेश्चन किया है रीजनिंग और क्वांट में जो आपसे बिल्कुल स्पीड में बिल्कुल फ्लो में तेजी से हो रहे थे। आपके पास लास्ट में 4-5 मिनट बचेगा जहाँ पे अब आप ये देखना है, आपको ये चूज करना है कि आप क्या करना चाहेंगे, क्वांट करना चाहेंगे या रीजनिंग करना चाहेंगे। अब ये भी आप क्वेश्चन तो आपने देख रखा है क्योंकि आपने जब आपने अटेम्प्ट कर रहे थे पहले आपको पता था आपने कौन कौन से क्वेश्चन स्किप किए थे और वो क्वेश्चन कैसे थे, वो क्वेश्चन कैसे थे ये आपने पहले देख रखा है तो आपको पता होगा। फिर आपके पास ये चॉइस होगा कि हमें क्वांट करना है, तो क्वांट में अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा था, एकदम नहीं आ रहा था, आप ब्लैंक थे, आपको क्वेश्चन करने आता ही नहीं है, फिर आपको क्वांट नहीं करना। मान लो क्वांट में 4 क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि 2 क्वेश्चन था जो कि लेंथी क्वेश्चन था, अगर टाइम देंगे तो ये हो जाएगा, और 2 क्वेश्चन जो मुझे आता ही नहीं है, 2 क्वेश्चन ध्यान नहीं देना, बाकी जो 2 क्वेश्चन आपके पास है इसे आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब आपको देखना है रीजनिंग में आपके पास जो 5 क्वेश्चन थे या 4 क्वेश्चन थे वो कैसे क्वेश्चन थे, क्या वो लॉजिक क्रैक करने वाले क्वेश्चन थे या फिर कुछ लेंथी कुछ ऐसा था कैलकुलेशन जिसे आपने छोड़ रखा था। अगर ऐसा है सॉल्व कर ले उसे, अगर लॉजिकल क्वेश्चन है जहाँ पे आपको लॉजिक लगाना है वहाँ पे चांस ये भी है कि आपके वो क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे या नहीं भी हो पाएंगे, तो फिर आपको रीजनिंग की जगह पे आपको क्वांट करना चाहिए जहाँ पे आपको श्योर है कि आप दो क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप पेपर को यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे। पेपर ये तो मैंने बताया आपको, पूरे पेपर को ओवरऑल कैसे ब्रीफली मैंने बताया कैसे अटेम्प्ट करना है। अब मैं बताता हूँ आपको हर सेक्शन के बारे में, किस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन को और किस क्वेश्चन को आप तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। जब आप फर्स्ट स्पेल में पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपके पास रीजनिंग में कौन कौन से क्वेश्चन आप उसे स्किप करते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो कि होते हैं नंबर वाले क्वेश्चन में आपको नंबर का लॉजिक ढूंढना होता है या फिर कोडिंग डिकोडिंग बिल्कुल समझ नहीं आ रहा हो, बाकी जो क्वेश्चन होते हैं मिरर इमेज या फिर आपके डाइस वाले क्वेश्चन या फिर आपके सिंपल आपको फिगर एम्बेड खोजना है, पेपर कटिंग खोजना है, पेपर कटिंग वाले क्वेश्चन हो गए या फिर सिंपल कोडिंग डिकोडिंग है, रिलेशन क्वेश्चन, ये सब आप आराम से कर जाएंगे, इन सबको तेजी से कर जाएंगे। जो नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं वही आपको दिक्कत करते हैं, जिसमें आपको ये गारंटी भी नहीं होता है कि आप उस पर टाइम देंगे तो आप वो क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे, तो उन नंबर वाले क्वेश्चन को आप पहले स्पेल में उसे ना करें, पहले अटेम्प्ट में उसे आप ना करें, उस क्वेश्चन को आप बिल्कुल स्किप कर दें, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तो आप एक बार ट्राई करेंगे ना, जब आपने पहले क्वेश्चन को देखा, आपने ट्राई करने की कोशिश की, आपसे हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ स्किप करके आगे बढ़ जाएं। अब इसके बाद बात करते हैं क्वांट की, क्वांट में कौन से क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, लाइक ऐसे कोई क्वेश्चन जो कि आपको बिल्कुल नहीं आता हो करने, आपने नहीं पढ़ा अच्छे से, अब कोई ऐसा क्वेश्चन जो बिल्कुल नहीं आ रहा है उससे आप बिल्कुल देख के स्किप करेंगे, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उसके अलावा जैसे कि बोटन स्ट्रीम में क्वेश्चन आता है कभी कभी, बोट स्ट्रीम का ये क्वेश्चन कभी कभी काफ़ी लेंदी आता है, सॉल्व करने में समय लग जाता है, 1 मिनट 1.5 मिनट समय लग जाता है, ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद और जो कुछ क्वेश्चन जैसे SICI के क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे इंस्टॉलमेंट निकालने को दिया जा रहा हो और थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ रहा हो वहाँ पे, उसे भी आप स्किप कर दें, मतलब कैलकुलेटिव क्वेश्चन ऐसा है या फिर जहाँ पे आपको लेंदी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है वैसे क्वेश्चन को आप वहाँ पे आराम से स्किप कर सकते हैं। बाकी जो क्वेश्चन होते हैं प्रॉफिट लॉस टाइम डिस्टेंस स्पीड, कभी कभी रेस वाले क्वेश्चन आते हैं, कभी आसान होते हैं, कभी आपको वो क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाते हैं तो आप वहाँ पर नहीं कर पाते हैं। इस तरीके से आपको देखना है जो आपका डिफिकल्ट है लेंदी क्वेश्चन है उसे आप स्किप करें, बाकी चीज़ों को आप आराम से करके आगे बढ़ जाएं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंग्लिश। इंग्लिश में सीधी सी बात है, अगर आपने आपके एक्टिव पैसिव से 2 क्वेश्चन आते हैं और फिर इनडायरेक्ट डायरेक्ट से 2 क्वेश्चन आते हैं, उसके अलावा एरर क्वेश्चन आते हैं, क्लोज टेस्ट क्वेश्चन आते हैं, RC पिछले पूछा नहीं गया बहुत शिफ्ट में वो आपके आते हैं, ये सब क्वेश्चन आप आराम से कर लेते हैं। दिक्कत कहाँ आती है आप लोगों को, दिक्कत आती है एंटोनिम साइनोनिम यानी कि बेसिकली वोकैब के क्वेश्चन में। तो वोकैब वाले का एक तरीका सिंपल सा होता है, अगर आपसे पूछा जा रहा हो एंटोनिम साइनोनिम तो आप ऑप्शन को देखें, अगर आपको वर्ड का मीनिंग नहीं पता हो आप ऑप्शन को देखें कि ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में हो सकता है कि कोई 4 वर्ड में 3 वर्ड का सेंस बिल्कुल एक जैसा हो, कोई एक वर्ड बिल्कुल अलग सा हो, उसको आप फिर इस वर्ड से कंपेयर करने की कोशिश करें, अगर आपको लग रहा है तो आप इसे मार्क कर सकते हैं।
ठीक है। अगर नहीं आ रहा है एकदम कुछ भी नहीं आ रहा है तो वो वाले क्वेश्चन को आप आराम से स्किप कर दें, उससे की जरूरत नहीं है। सेकेंड दिक्कत होती है आप लोग को पी क्यू आर एस में, जहाँ पे आपको सेंटेंस को अरेंज करना होता है। इसमें आप हमेशा एक कोहेरेंसी को फॉलो करना होता है, उससे आप ढूंढने की कोशिश करें। अगर नहीं आ रहा, आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें इसको सेंटेंस को फिट करने में दिक्कत हो रही है, तो उसका तरीका ये होता है कि आप ऑप्शन के थ्रू करें, आपको बेटर इसका एक आइडिया मिल पाता है कैसे करना है। अगर नहीं हो पा रहा है इसे भी आप फॉर टाइम बीइंग के लिए स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज आई डोंट थिंक इसमें कुछ स्किप करने लायक होता है। और बिल्कुल अब मैंने बता दिया आपको आपको गेस कैसे करना है अगर वो गैप में, अदरवाइज आप इसे स्किप कर रहे हैं। इसके बाद जीए में बात करते हैं, जीए में कैसे आपको स्किप करना है, क्या करना है। जब ये क्वेश्चन पढ़ रहे हो आपको आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा है तो स्किप करें। अब कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जहाँ पे आपको थोड़ा सा आपको आपने पढ़ा पढ़ा होता है, आप जैसे कि आपसे पूछ लिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द प्रेजेंट ऑफ इंडिया, अब आपने उसके बारे में पढ़ा है चार पॉइंट, अब वहाँ पे आप क्या करते हैं, आप वहाँ पे ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। इसका इस टेक्निक का आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। कई बार आपको इसमें मैच द कॉलम में क्वेश्चन आ जाता है, तो मैच द कॉलम में हो सकता है आपको कि दो जो दिया गया हो, ए बी दिया गया हो, ए आई सी दिया गया, उसमें से किसी उसमें दो का आपको पता हो, या फिर आप उसमें से दो में से कुछ कोई एक पता हो, तो ऑप्शन के थ्रू आप देखें, हो सकता है कि ऑप्शन में जो आपको पता हो किसी एक ही ऑप्शन में हो तो आपका सही हो सकता है, अदरवाइज आप जो क्वेश्चन नहीं आया उसे आप स्किप ही करेंगे। इस तरीके से आप ओवर पेपर को इस तरह अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने बता दिया आपको, आपको इस तरीके से फॉलो करना है, आप कर पाए। तो ये तो मैंने बता दिया आप लोगों को कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, सेक्शन वाइज क्या स्किप करना है, क्या बात कर रखना है, और किस तरीके टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, और किस तरीके सीक्वेंस आपका होना चाहिए पेपर को अटेम्प्ट करने का, सेक्शन को अटेम्प्ट करने का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्या नहीं करना है, कौन सी गलती नहीं करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे आप जरूर से समझने की कोशिश करेंगे और एग्जाम में फॉलो करेंगे। सबसे पहली चीज़, पूरे पेपर को वन गो में अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं करनी है। आप सोच रहे हैं कि आप बिल्कुल स्टार्ट करेंगे वन से लेकर के और पहुंच जाएंगे 100 तक, ये काम आपको बिल्कुल नहीं करना है, इसे आपको अवॉइड करना है। क्या करना है, जो मैंने बताया आपको, जो क्वेश्चन आपको आ रहा हो, जो जल्दी आपका हो रहा हो, समय कम लग रहा हो, उसे अटेंड करना है। लेंदी क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन, नहीं आते हुए क्वेश्चन पे समय आपको वेस्ट नहीं करना है, स्किप करके आगे बढ़ना है, उससे हम लोग सेकेंड स्पेल में करेंगे, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, मैंने देखा है कई लोगों को करते हैं इस तरीके से, और क्या होता है कि उन्हें ऐसा नहीं उन्हें आता नहीं, उन्हें आ रहा होता क्वेश्चन, उन्हें क्वांटिटी क्वेश्चन करने आ रहे होते हैं, रीजनिंग भी आ रहा होता करने, लेकिन टाइम इतना दे देते हैं कि अंत समय में क्या होता है कि इंग्लिश और जीए के लिए समय ही नहीं बचता है, और इंग्लिश में 5, 6, 7, 8 अटेम्प्ट कर पाते हैं, या फिर जीए में बहुत सारे क्वेश्चन आते हो तो क्वेश्चन देख भी नहीं पाते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, आपने एक बार सॉल्व किया, आपका आंसर नहीं आया, आप उसे दोबारा सॉल्व करेंगे, आपका आंसर नहीं आया मान लीजिए, तो आप इसको आप बार बार अटेम्प्ट कर रहे हैं, बार बार ट्राई कर सॉल्व करने के लिए, जी आपको काम नहीं करना, क्योंकि इसके पीछे कई रीजन है। पहला रीजन ये है कि जब आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उस आपके माइंड में जो लॉजिक चल रहा होगा, वो लॉजिक आपको वही लॉजिक बार बार उस क्वेश्चन पे हिट कर रहा होगा, तो फॉर टाइम बीइंग उसे आप स्किप करके आगे बढ़ जाएं। सेकंड रीजन ये है कि कई बार क्वेश्चन आपके रॉन्ग होते हैं, जहाँ पे आपके ऑप्शन मैच नहीं करेंगे, आप कंटिन्यूस वहाँ पे एफर्ट लगाते रहेंगे, टाइम वेस्ट करते रहेंगे, तो ये काम आपको नहीं करना, ठीक है, ध्यान रखें सही बातों को। थर्ड, इलॉजिकल गेस आपको नहीं करना। लॉजिक गेस मतलब क्या, अगर आपने क्वेश्चन देखा आपको एकदम नहीं आ रहा है, आप सिंपल सोच रहे हैं कि हाँ बिहार में मेरा घर है तो बिहार अटेम्प्ट करते हैं, मेरा पंजाब में घर है तो हाँ इसका आंसर पंजाब हो सकता है, या फिर ऐसा कोई भी फालतू का लॉजिक कुछ भी लगा अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये काम आपको नहीं करना, तुक्केबाजी वाली इलॉजिकल गेस आपको नहीं करना, ठीक है। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि मैंने बताया आपको पहले भी, लेंथी क्वेश्चन को आपको फर्स्ट स्पेल में स्किप करना है और बाद में उसे करना है। लास्ट एंड नॉट द लिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार ऐसा होता है कि कोई एक सेक्शन आपका बहुत टफ आता है, हालांकि अभी प्रीवियस ईयर कुछ देखें 2022 के पेपर को या फिर अभी जो 40 पेपर हुआ है इसमें ऐसा कुछ नहीं आ रहा, क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो इजी टू मॉडल आ रहे हैं, टफ पेपर आपका बन के नहीं आ रहा है, फिर भी मान लेते हैं कि सिर्फ में आपके सिर्फ में ऐसा हो गया कि आपका कोई एक सेक्शन बहुत टफ आ गया, कोई भी एक सेक्शन बहुत ही टफ आ गया, लेट से क्वांट या कोई भी सेक्शन, क्वांटी आ गया, रीजनिंग आ गया, जहाँ पे आपके जो अटैम्प्ट हैं वो काफ़ी ड्रॉप हो गए, 15, 18, 17 इस तरीके से आपके अटैम्प्ट हो गए, ये चीज़ आपको समझना है कि टफ आया है तो सभी के लिए टफ होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप पे वो आपके ऊपर आपको वैसा क्वेश्चन पूछा गया हो, उस शिफ्ट में सभी का ऐसा ही होगा, सभी की हालत खराब होगी। तो इस चीज़ का फ्रस्ट्रेशन मान लीजिए आपने क्वांट अटेम्प्ट किया, आपके अटेम्प्ट ही 15 हुए, आप सोच लें कि अब तो पेपर बर्बाद हो गया मेरा, तो हम क्या करें, क्वेश्चन बन नहीं रहा है, बिना मतलब का और टाइम दिए जा रहे हैं उस क्वेश्चन के ऊपर सॉल्व करने में, ये काम नहीं करना, आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। और इस चीज़ का आपको जो इसका जो बैड इम्पैक्ट है वो आपके बाकी जो सेक्शन बचे हुए हैं, रीजनिंग, जीए, इंग्लिश, इन सब पे नहीं करना, आपको बाकी सेक्शन को ख़राब नहीं करना है, बाकी सेक्शन को आप जैसे करते हैं वैसे ही करें, आप ये मान लें कि वो सेक्शन आपका बहुत टफ था और आपने अपना बेस्ट अटेम्प्ट किया, टाइम आपने दिया, आगे बढ़ जाएं, बाकी सेक्शन को सही से अटेम्प्ट करें। हाँ, सही से अटेम्प्ट करने के बाद अटेम्प्ट हो जाए पूरा आपका, उसके बाद टाइम बचता है तो फिर आप टाइम यहाँ पर लगा सकते हैं, अदरवाइज इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मैंने देखा है सीजन पेपर एक आया था
जिसमें क्वांट में बहुत टफ आया था और काफ़ी लोग क्वांट में उलझे रह गए, उस चक्कर में उनका रीजनिंग भी छूटा, जीए भी छूटा, इंग्लिश में भी कम क्वेश्चन हो पाए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, आई थिंक आपको मैंने बता दिया, इन गलती का ध्यान रखेंगे, इन चीज़ों के अवॉइड करेंगे, और बाकी चीज़ें जो है आपको पता ही है, एग्जाम पे टाइम से बिल्कुल पहुंच जाएंगे, जो भी रिपोर्टिंग टाइम है उससे आधे घंटे घंटे पहले ही पहुंचे सेंटर पे, लेट ना करें, एंट्री नहीं मिलेगा टाइम खत्म होने के बाद। और अपना आईडी कार्ड, अपना दो फोटो, और क्या होता है एडमिट कार्ड, ये तीन चीज़ जरूर लेकर जाएँ। इसके अलावा बाकी चीज़ आपकी चॉइस है। बता दिया आपको पेपर कटन कैसे करना है, एक डिटेल्स पूरी तरीके से, सेक्शन वाइज, ओवरऑल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, सिक्वेंस क्या होना चाहिए और क्या क्या चीज़ों को हमें अवॉइड करना है। आई थिंक आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये अगर आप बाकी शिफ्ट में जा रहे हैं, कल तो नहीं, कल के बाद अगर जा रहे हैं किसी और दिन एग्जाम देने के लिए, ये प्लेलिस्ट है, इसे आप फॉलो कर सकते हैं क्वांट के लिए, जिसमें आपको क्वांट की बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। एलजेब्रा आपने नहीं पढ़ा है, एक मिनट देख लेंगे आपका बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपने मेंशन नहीं पढ़ा है, एक मिनट देख लें आपको सॉल्व हो जाएगा। इसे बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हुई, ज्योमेट्री की भी है, आप देख सकते हैं, बाकी पेपर क्वेश्चन और भी है, इसे आप फॉलो कर सकते हैं। दैट्स ऑल, ऑल द बेस्ट फॉर यू, आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा है शेयर कीजिएगा बाकी स्टूडेंट्स के साथ, और ये हमारे हैंडल्स हैं, इसे आप यहाँ फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, इसे आप फॉलो कर सकते, जुड़ सकते हैं हमसे। और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।